नमस्कार और आप देख रहे हैं पलपल। भाजपा के मैनिफेस्टो पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कटाक्ष किया, कहा जिस की सरकार ही नहीं आनी है उनके मैनिफेस्टो पर क्या टिप्पणी करें। फतेहाबाद के रतिया में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सुखबीर बादल, कहा लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं लेकिन वो विपक्ष में बैठेंगे। रतिया विधानसभा सीट से अकाली दल में एवं इनेलो के गठबंधन के उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करने के लिए विभिन्न गांवों का दौरा करने पहुंचे बादल। गांव भिरडाना में आयोजित चुनावी सभा में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को वहम है कि वह सरकार बनाने जा रही है, बल्कि हरियाणा में भाजपा की कोई हवा नहीं है। बीजेपी फतेहाबाद जिले में एक भी सीट नहीं जीतेगी। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की कुर्बानी को देखकर याद करने के ग्रामीण एकजुट हो चुके हैं। फतेहाबाद से राजेश महम्बो की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव के लिए आज भाजपा की ओर से जारी संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कटाक्ष किया। उन्होंने टिप्पणी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, कहा जिनकी सरकार ही नहीं आ रही है उनके मैनिफेस्टो पर क्या टिप्पणी करनी। सुखबीर बादल आज फतेहाबाद के रतिया विधानसभा सीट में अकाली दल एवं इनेलो के गठबंधन के उम्मीदवार पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए गांव और अन्य क्षेत्रों में पहुंचे थे। गांव-गांव में वोटों की अपील कर रहे सुखबीर बादल ने गांव भिरडाना में पहुंच चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार इस बार नहीं आनी। सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं असल में वो विपक्ष में बैठेंगे। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बादल ने कहा कि बीजेपी को ये गलत फहमी है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि हरियाणा में किसी प्रकार की भाजपा की हवा नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने दावा किया है कि फतेहाबाद जिले में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। सिरसा से भी भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं जीता। रोहतक क्षेत्र में भाजपा का सफाया है। सुखबीर बादल ने कहा कि इनेलो और अकाली दल जैसे वर्करों के चुनाव लड़ने की हिम्मत किसी अन्य पार्टी के वर्कर में नहीं है, इसलिए 10 दिन के दौरान हरियाणा में गठबंधन के वर्कर जनता के बीच में जाकर के जनता को मजबूती के साथ एकजुट करने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। हुण अज मैं तुम सही दसा अपना फर्ज बनता है उतरा चढ़ाव आते रहते हैं। मैं तुम्हें एक होर दसा गलत फहमी जी बनी पई है कि अज बीजेपी की हवा है। आम सरसे के फतेहाबाद जिले च मैं लगता एक सीट नहीं आती बीजेपी। मैं तुम अज दसा सरसे के फतेहाबाद की गल कर रहा। इधर मैं हूं एक उधर पूछा सी रोहतक साइड का काम है ही नहीं यार। हवा बनाने वाले भी तुम है तो रोकने वाले भी तुम है। मैं तुम दसा जे तुम इकट्ठे हो जाओ चौधरी देवीलाल जी देखो यार, उन्होंने कुर्बानियां देखो, उन्होंने शख्सियत देखो। जे आप पिंड वाले इकट्ठे हो जाएंगे, किसान इकट्ठे हो जाएंगे, गरीब मजदूर इकट्ठे हो जाओगे, थोड़ा कोई हराने वाला नहीं। या तो गढ़ हैडक्वार्टर है, आप हूं वंडिया ना। जे अपनी प्रॉब्लम अपनी समस्या है कि आप दिल छटी बैठे, दिल छटी। मैं तुम्हें दसा ना काले वाली हलका है भी हफ्ते जिता इतने। मैं पूरी आस है तुम वर्कर कट्ठे हो यार। मैं कहना अकाली दल के निलो के वर्कर का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। बड़िया पार्टिया के वर्कर देखे है, वो धुप नहीं देख सकते, तूफान नहीं देख सकते। तुम यार 20 साल का तूफान का टक्कर करिए हरे भी डटे बैठे हो तो इस करके अखा मीच लो। आप चौधरी साहब बादल साहब की फोटो देख के अखा मीच के आप उन्होंने वीरवार तकड़ी चो निशान इकबाल सिंह दो ढाई साल तक अभी तक कब्जा कर लेना पंजाब। थोनू कोई समस्या हो मैं पिछली बार मैंने याद है काले वाली 300-400 मुंडे में रखे पंजाब पुलिस के टीचर उसे 300-400 पाले लगे मुंडे जो भी थोनू आया तुम मेरे को आ जा करो। आप इन्ने तगड़े थोनू मैं दिना फिर भी कोई थोड़ा हाथ नहीं ला सकता। मैं तुम्हें अच्छा वो इन्ने तगड़े बस थोड़ा साथ चाहिए इनेलो का अकाली दल का झंडा झूलना चाहिए। मैं तुम्हें दसा झंडा झूलना चाहिए किसी हालत झूलना चाहिए। आ मेरी इज्जत नहीं छोटी इज्जत का सवाल है।
चौधरी साहब के कपड़े घरे देखो कितनी खुशी होगी उन्होंने जो उसे बैठे खबर आई कि रतिए तो श्रोमणी अकाली दल इनेलो का झंडा झूमता जा कि रतिए तो श्रोमणी अकाली दल इनेलो का झंडा झूमता जा हूं तुम लड़ना घरों निकलो यार दस दिन रह के घरों निकलो वर्कर बनते जिमें तुम इन्ने साल लड़ते रहे हो इन्ने तूफाना चो लड़ते रहे हो भावें 15 साल सरकार नहीं आई पर तुम इतों नेरी लिया रहे हो स्पिरिट कायम कर लो मैं मैं पता है चौधरी देवी लाल जी के वर्कर के जज्बा जो है करंट है वह श्रोमणी अकाली दल वर्कर वागू है आ जोड़ी कट्ठी नु कोई हैरान नहीं सकता गल्ला गुल्लाइया हवा उड़िया नहीं है पर तुसी खड़े रहे हो जटान वांगू तो मैं आई बेनती है मेरे वीर नु जता दो भाई गुरु जी का टिप्पणी करना चाहोगे भाजपा के मैनिफेस्टो जो सरकार ही नहीं टिप्पणी की जी एक ही कहना चाहोगे खास तौर पर मैं कहना चाहना है हरियाणा बहुत तेजी न सिचुएशन खत्म हो रही है जेडे सोचते सरकार बनाएंगे सारे ऑपोजिशन च होंगे।